करना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं JLPT यानी कि जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ये वीडियो सिर्फ बेसिक के ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी JLPT दे चुके हैं, उसमें पास हो चुके हैं या फिर उसमें फेल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ JLPT के इंट्रोडक्शन के बारे में ही नहीं, JLPT को किस तरह से क्लियर करें उसके बारे में ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो करना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा काम आप आज से ही शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा और एक दिन फाइनली आप उस लेवल को अचीव कर लेंगे जिसमें आप JLPT को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि, वेलकम टू निहोंगोमैक्स। JLPT जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में हर जापानीज लैंग्वेज लर्नर जानने की कोशिश करता है, और जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद या फिर जापानीज लैंग्वेज सीखते समय वो उसको जानता है, और जब तक इसको अटेम्प्ट करके पास करने का टाइम आता है तब तक वो यही नहीं जान पाता कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से स्लाइड्स, किस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से ऑप्शंस को चूज करना होता है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए जानते हैं अबाउट JLPT। JLPT लेवल जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला आपका लेवल पूछा जाता है जब आप किसी जापानीज कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप जापान में जॉब के लिए वीजा अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात मैं फटाफट से आपको कवर करके बताता हूँ कि JLPT होता क्या है। जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये जापान की गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। इसमें लेवल्स होते हैं N5 से लेकर N1 तक। N5 सबसे बेसिक होता है, N1 सबसे एडवांस्ड होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डू आई रियली नीड इट, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? तो जी हाँ, किसी भी जॉब के लिए या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जापान में जाना चाहते हैं तो वीजा के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें बताने के लिए और भी कुछ है, आगे काफी कुछ मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स देना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल N5 और N4 किस तरह से डिफरेंट है हायर एडवांस लेवल से N1 और N2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हम JLPT को और ज्यादा। सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि हमें सिर्फ जैसे जैसे हमने बेसिक के लेवल्स क्लियर किए हैं वैसे वैसे हम एडवांस के लेवल्स भी क्लियर कर सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, आगे जाके इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे लिसनिंग का सेक्शन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन क्या होता है, उसको कैसे क्लियर करते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन क्या होता है। तो उसी दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिक की स्टडी करने की बजाय, मतलब बेसिक की तरह से स्टडी करने की बजाय एडवांस को एडवांस की तरह से, जो कि इनफैक्ट बेसिक से भी आसान होती है, उस तरह से स्टडी की जाए तो JLPT आप एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। सो व्हाट्स द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है कि आप वोकैबुलरी और पैटर्न्स को, जो भी आपको बेसिक में सिखाए गए हैं, जिस तरह से आपने उनको क्रैम करा है, उनको याद करा है, उसको अब आप एडवांस लेवल के अंदर जाके अपना स्टाइल चेंज करके याद करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक की बात करें तो अराउंड 150 या 200 या 250 ही आपको कांजी याद करनी होती है, वोकैबुलरी याद करनी होती है, लेकिन अगर आप एडवांस की बात करें तो ये नंबर हजारों से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो रियल की, जो असली की है, वो है दोकाई, जो कि मैं आपको एडवांस के सेक्शन में बताने वाला हूं कि दोकाई और चोकाई से ही आप अपनी वोकैबुलरी को भी कवर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मैं आपको एक बारी एंड की एक चीज बता देता हूं कि अगर हमने JLPT लेवल्स क्लियर कर लिए, फॉर एग्जांपल N3 क्लियर कर लिया, N2 क्लियर कर लिया, तो क्या, व्हाट आफ्टर जापानीज? अ ग्रेट लाइफ। क्यों? क्योंकि जापानीज लैंग्वेज की डिमांड, जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले अगर 10 साल को कंपेयर करें तो 10 गुना बढ़ चुकी है, अगले आने वाले 10 साल को कंपेयर करेंगे तो 20 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि आने वाले टाइम में भी जापानीज लैंग्वेज लर्नर्स की हमेशा हमेशा रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। लेकिन ये याद रखिए कि जापानीज लैंग्वेज लर्नर का क्या मतलब है, वो स्टूडेंट जो सिर्फ बेसिक ही नहीं बल्कि एडवांस तक पहुंच चुका है, एडवांस तक अपने JLPT को क्लियर कर चुका है, क्योंकि उसके बाद ही आपको जॉब के लिए हायर किया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और किस लेवल से हम जॉब के लिए सर्च अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे स्टूडेंट्स काफी पूछते हैं। तो जापानीज लैंग्वेज JLPT के अंदर आप अगर N3 लेवल आपने क्लियर किया हुआ है तो आप तभी से अपना जॉब सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। N2 लेवल या N1 लेवल तक जाने पर आपको, और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो आपको बहुत 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 अच्छे पैकेजेस पर, जो कि बड़े बड़े कोर्स करने के बाद आपको नहीं मिल पाएगा, वो पैकेजेस
आप ले सकते हैं। देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि अगर आप MBA, मेडिकल इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोर्सेज इन सब की बात करें या CA की बात करें या मतलब अकाउंट्स में या जो भी दूसरे फील्ड्स की बात करें जो कि पॉपुलर कोर्सेज रहते हैं हमेशा हमारे इंडिया में, उनकी बात करें तो इतना ज़्यादा डेटा याद करना, इतनी ज़्यादा मेहनत करना और कई साल लगाने के बाद भी आपको अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया जिससे आपको कोई जॉब मिल पाए, उसके बाद फिर आप डिमोटिवेट होके कोई छोटे मोटे जॉब से स्टार्ट करके कोई या फिर मैनेजमेंट का कोई कोर्स करके कुछ बहुत ही छोटी जॉब करके स्टार्ट करते हो, तो इस तरह का करियर जो है बल्कि ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू JLPT। तो JLPT को आप बहुत मुश्किल ना समझें। अगर आप ये सोचेंगे कि इससे भी आसान कोई चीज़ मुझे मिल जाए और शॉर्टकट कोई मिल जाए तो फिर तो आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप IAS की पढ़ाई देखें या MBA की पढ़ाई देखें या मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखें, तो नेटशेल में मैं कहना चाहता हूँ कि जापनीज लैंग्वेज काफ़ी अच्छा आपको करियर बना के दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापनीज इज़ नॉट डिफिकल्ट, जी हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी आप शुरू करेंगे तो आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे कि जापनीज बहुत मुश्किल है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें ग्रामर वोकेबलरी ये सब याद करना पड़ता है, स्क्रिप्ट इसकी बहुत मुश्किल है, कांजी बहुत मुश्किल है। तो देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा है, क्योंकि उन्होंने जापनीज स्टार्ट करी होगी तो उनको मुश्किल लगा, उन्होंने छोड़ दिया है। तो अगेन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करें तो ये आधा या उससे भी आधा यानी कि 1/4 आपका टाइम लगा एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाने में। जापनीज डिफिकल्ट क्यों लगती है ये मैंने आपको अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं मिलता, हिंदी से मिलता है। और अमेरिकन यूरोपियन जो कि सिर्फ इंग्लिश जानते हैं उन लोगों ने ये पूरा वर्ल्ड में फिनोमेना फैला दिया कि नहीं फॉरनर्स के लिए मतलब एज अ फॉरन लैंग्वेज जापनीज सीखना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप इसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो हिंदी से ये बिल्कुल मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है। और जहां तक बात की स्क्रिप्ट की है, स्क्रिप्ट हाँ इसकी स्क्रिप्ट मुश्किल है, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि आपको बहुत उतना टाइम नहीं लगेगी। 100 या 200 या 300 स्क्रिप्ट याद करने में कितना टाइम लगेगा आप सोचिए। अगर आप दिन रात उसके लिए काम करें तो मैक्सिमम आपको 1-2 महीना लगेंगे, और नॉर्मली भी अगर आप काम करें तो आपको 6-1 साल के अंदर इतनी जापनीज आ सकती है कि आप कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं हाँ मुझे थोड़ी बेसिक जापनीज आती है और मैं जॉब के लिए अपने आप को स्टार्ट कर सकता हूँ। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, व्हाट नॉट टू डू। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का, जो भी मैं कंपनीज में इंस्टीट्यूट्स में या अपने पर्सनल इंस्टीट्यूट में भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उस ट्रेनिंग का ये एक्सपीरियंस है। तो इसको बहुत ही सीरियसली सुनिएगा। सबसे पहली बात कि हम लोग ये सोचते हैं कि जापनीज कैन बी मास्टर्ड बाय लर्निंग ग्रामर ओनली, या फिर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ ग्रामर से ही या वोकेबलरी से ही हम जापनीज को याद कर लेंगे। जी नहीं, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक सेंटेंस के तौर पे, चाहे वो ग्रामर का सेंटेंस है चाहे वोकेबलरी का सेंटेंस है, उसके तौर पर उसको याद करना है, उसके तौर पर उसको सीखना है। देन लिसनिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, काफ़ी लोगों को गलत गलत टेक्निक्स रहती हैं कि किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको, अगर मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप गलत तरीके से भी 4-5 साल बर्बाद भी कर सकते हैं इसके अंदर अगर आप गलत तरीके को फॉलो करते रहेंगे, जो कि यूजुअली लोग करते रहते हैं। जिन्हें आपको 2-3 साल में भी ये बहुत बहुत एक्सपर्ट के लेवल तक आ सकती है, जो कि फिर आपको जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ जॉब करके या सिर्फ जापान ट्रैवल करके अपना पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। वो सही टेक्निक है कि आप इसको एक लैंग्वेज की तरह, एक ग्रामर की तरह, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरह लें और एक स्टोरी की तरह रीड करें, एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके उससे ही वोकेबलरी सीखने की कोशिश करें, जो कि मैंने बहुत सारी डिटेल में आपको अपने पिछले वीडियोज में भी, आगे आने वाले वीडियोज में भी समझाया हुआ है। तो प्लीज उनको भी साथ साथ फॉलो करते जाएं। मैंने एग्जांपल देके भी यहाँ पे समझाया हुआ है कि किस तरह से एक वोकेबलरी को के पीछे ही पढ़ के हम उसमें ही बहुत टाइम बर्बाद करते थे और उस वोकेबलरी से फिर आगे जाके अलग भी वर्ड्स बनते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की टेक्निक को फॉलो करिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम शॉर्ट रहे और काम उतना ही हो, रिजल्ट उतना ही आए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि वाई चूज अस। देखिए इसमें हमने अपनी बहुत सारी तारीफ लिखी हुई है, बहुत सारा मैं आपको अपनी तारीफ करूंगा, लेकिन ये भी आप सुन लीजिए, लेकिन साथ साथ आप ये भी सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, कि मुझे क्या करना है। पहली बात, जीरो कॉस्ट। देखिए आप अपने आप भी ये चीज समझ सकते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है आप, लेकिन इवेंचुअली अगर आपको जापानीज लैंग्वेज में परफेक्ट बनना है, JLPT क्लियर करना है, तो आपको अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो हमारे वीडियोज से पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो हमारी एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। आप बिना किसी इंस्टीट्यूट में पैसा दिए भी पढ़ सकते हैं। आपको ये बात समझ नहीं आएगी, आपको बात लगेगी मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ, ये बात काफ़ी टाइम आपको लगेगा समझने में, मतलब एडवांस लेवल तक जाके समझने में लगेगा कि हाँ ये सब काम तो मैं अपने आप भी कर सकता था। इसलिए फिलहाल उसके लिए आप अपनी तरफ से ही आप थोड़ी सी
रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे 5 साल से कंसिस्टेंटली टॉप रिजल्ट्स हैं। हम बेस्ट आंसर्स और बेस्ट ट्रेनर्स के जरिए हम इन सब रिजल्ट्स को हमने अचीव किया है, जो कि JLPT के अंदर N5 हो, चाहे N1 हो, चाहे N2, चाहे N3 हो, बेस्ट रिजल्ट्स। और दूसरी बात, नो टाइम वेस्ट। मेरी जो हमेशा टेक्निक रहती है आपको सिखाने की, वो है नो टाइम वेस्ट की। मतलब आपको टाइम वेस्ट कम से कम हो, और सिर्फ JLPT ही नहीं, आप उसको एक कॉन्वर्जेशन के थ्रू भी, आप एक जापनीज लैंग्वेज को एक फॉरन लैंग्वेज के थ्रू ही, मतलब फॉरेन लैंग्वेज की तरह, जिस तरह से इंग्लिश है, वो भी इंग्लिश भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ग्रामर सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, या न्यूज़पेपर को रीड करके वर्ड्स नोट डाउन करके सीखेंगे, वो एक बहुत ही मुश्किल तरीका है। इजी तरीका है, जो जो आपने सीखा है उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश है, चाहे जापनीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्लाइड है, ये है अबाउट योर ट्रेनर, यानी कि मेरे बारे में। JLPT के मेरे सारे लेवल्स क्लियर हैं। मैंने जापान में स्टडी भी किया है, वर्क भी किया है, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन वो जो अवार्ड है, वो सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है, जो स्टूडेंट्स की अप्रिसिएशन का अवार्ड है, जो स्टूडेंट्स का गुड फीडबैक का अवार्ड है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। मेरा वर्क एक्सपीरियंस या मेरी जो ट्रेनिंग्स हैं, वो सब चीज़ें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब आप भी बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, अगर आप ये सोचें कि जापनीज लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल कुछ केयरफुल स्टेप्स को फॉलो करके लैंग्वेज को एक एब्जॉर्ब करते जाने का तरीका है, जो कि अगर मैंने आज ही सीख लिया, आज ही मैंने अपनी आदतें चेंज कर ली, तो मैं 1 साल 2 साल 1.5 साल में ही एक्सपर्ट बन सकता हूँ। अगर नहीं करा मैंने ये सब, तो मुझे 5 साल भी लग सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आस्क अस एनीथिंग। जी हाँ, ये हमारा स्पेशल पॉइंट है। आप चाहे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, या फिर आप हमारे को मेल करें, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमसे JLPT की जितनी भी टेक्निक्स हैं, या लेवल्स किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, या क्या क्या होता है, वो भी सीख सकते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, अबाउट शेड्यूल। देखिए, शेड्यूल से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें JLPT में, जापनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, 4 सेक्शंस होते हैं, दोकाई, चोकाई, मोजीगोई, मोजीगोई और बुम्पो। जिनको ये नहीं पता, जैसे N5 के स्टूडेंट्स, उनको मैं बताता हूँ। इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग, वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अनसीन पैसेज, आपको पैसेज दिखा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिसनिंग का मतलब होता है, चौकाई का मतलब होता है कि आपको ऑडियो सुना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वोकेबलरी का मतलब होता है इस वोकेबलरी की रीडिंग, या उसका मीनिंग किस तरह से, कि भाई उस सेंटेंस में उसका मीनिंग कैसे फिट आ रहा है, वो पूछा जाता है। और ग्रामर का मतलब होता है कि ये ग्रामर कौन सी तरह का ग्रामर पैटर्न लगेगा, यानी कि जैसे उस सेंटेंस में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसके लिए, इसके बारे में, इसके प्रति, या फिर इस को मद्देनजर रख के, इस तरह के जो कुछ ग्रामर पैटर्न्स जो जापनीज में होते हैं, उनको कंपेयर करके आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल जो होता है, वो हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है फॉलो करने के लिए। हम हमेशा ये सोचते हैं, पहले मैं वोकेबलरी कर लूँ, पहले मैं सेंटेंस सॉरी कांजी को याद कर लूँ। तो हमारी अनप्लान्ड पढ़ाई होती है, इस वजह से ही हम अपनी पढ़ाई को टारगेट के हिसाब से पूरा नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई भी टारगेट, जैसे N3 में हम पहले पूरी वोकेबलरी, पूरा एकदम कांजी याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ग्रामर और दोका इतने बड़े बड़े थे, वोकेबलरी सेक्शन तो 2 मिनट में खत्म हो गया। तो इसीलिए शेड्यूल, मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया, आपको शेड्यूल को डिवाइड करके पढ़ना है। जब भी आप पढ़ाई करें, तो हमेशा आपको एक सेक्शन को बराबर टाइम देना है। जैसे मैं एक कॉम्प्रिहेंशन भी करूंगा, मैं कुछ वोकेबलरी भी करूंगा, बेटर है मैं कॉम्प्रिहेंशन से ही वोकेबलरी करूंगा, और मैं एक बार चौकाई यानी कि लिसनिंग का एक ट्रैक जरूर सुनूंगा। तो इसको कहते हैं शेड्यूल। इसी तरह से स्टडी टेक्निक्स की बात करते हैं। स्टडी टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग कहते हैं ओ माई गॉड जापनीज रियली टफ लैंग्वेज, तो सबसे पहली टेक्निक है कि उनको ना सुने। जी हाँ, आप प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर फोकस रखें, जो कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ काउंसलिंग, और काउंसलिंग में जो भी चीज़ें मैंने बताई, काउंसलिंग में ही आता है। इसके साथ साथ लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ें मैं मोटिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर डाली है। JLPT के बारे में आप मतलब हमसे भी पूछ सकते हैं, या साइट्स पर भी सर्च कर सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच।
अब बात ये आती है कि जेएलपीटी के बारे में तो हमने सब कुछ सीख लिया है, इसके फॉर्मेट के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आता है, कब होता है, कैसे होता है। अब बात ये आती है कि जेएलपीटी को क्लियर कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे आने वाले वीडियोस और हमारे पहले वीडियोस को बार बार देखिए। इसमें आपको मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ही नहीं, बल्कि जेएलपीटी में क्या क्या गलतियां कर देते हैं और किस तरह से इसको एक ही बार में क्लियर किया जाता है, मेरी पूरी पूरी कोशिश है, मैंने आपको समझाया हुआ है। इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।